ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को कारण बताओ नोटिस भेजा है। इस नोटिस में पूछा गया है कि आखिर क्यों ब्रिटेन की फार्मास्यूटिकल कंपनी एस्ट्राजेनेका की कोरोना वायरस वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल को भारत में नहीं रोका गया है, जबकि अन्य देशों में कंपनी ने इसका ट्रायल एक वॉलंटियर में अनपेक्षित बीमारी के लक्षण देखने के बाद रोक दिया है। बता दें कि फार्मास्यूटिकल कंपनी एस्ट्राजेनेका यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के साथ मिलकर कोविड के लिए वैक्सीन बना रही है। एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन दुनिया भर में कोरोना वैक्सीन बनाने की रेस में सबसे आगे चल रही है, लेकिन फिलहाल इसका ट्रायल कई देशों में रोक दिया गया है। DCGI इस बात से नाराज है कि अमेरिका, UK, ब्राजील और साउथ अफ्रीका में वैक्सीन का फिलहाल ट्रायल रोक दिया गया है। इसके बावजूद सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इस बात की सूचना सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी को नहीं दी है, ना ही उस घटना की रिपोर्ट दी है। वैक्सीन के ट्रायल और अन्य देशों में रोके जाने के बारे में जब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से पूछा गया तो उन्होंने कहा, हम यूके के परीक्षणों पर ज्यादा टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन उनके द्वारा आगे का कार्य रोक दिया गया है। हम जल्द ही फिर से शुरू होने की उम्मीद करते हैं। जहां तक भारतीय परीक्षणों का सवाल है, यह जारी है और हमें किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ रहा है। इसके बावजूद अगर DCGI को सुरक्षा संबंधित कुछ चिंता है तो हम उनके निर्देशों का पालन करेंगे। अब DCGI ने नोटिस भेजकर पूछा है कि जब तक मरीज की सुरक्षा पर सवाल, तब तक आपको मिली क्लिनिकल ट्रायल की इजाजत क्यों ना निलंबित कर दी जाए। अब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को इस नोटिस का जल्द से जल्द जवाब देना है। गौरतलब है कि एस्ट्राजेनेका उन 9 कंपनियों में से एक है जिनके वैक्सीन का ट्रायल बड़े स्तर पर हो रहा है। इस वैक्सीन का ट्रायल तीसरे चरण में पहुंच गया है। कंपनी ने अमेरिका में 31 अगस्त को 30,000 वॉलंटियर्स को ट्रायल के लिए भर्ती किया है। इस वैक्सीन के लिए कई देशों ने करोड़ों डोज का ऑर्डर भी दे दिया है, जिनमें अमेरिका भी शामिल है। आपको ये खबर कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही कोरोना वायरस की वैक्सीन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।